के ऊपर रोशनी डालते हैं अच्छा हमारे पास है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन आवाज आ रही है अच्छा अब हम बताते हैं इसमें कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आपस में जुड़े हुए हैं सबसे पहले मेरे पास डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ द वैक्सीन फॉर द कॉमन कोल्ड या फ्लू वायरस आपके पास जो वैक्सीनेशन है दैट इज लिमिटेड

तो इनमें से हमें अब कौन हमें कौन सा पता है कि किस पर्सन को कौन सी वायरस हुई है तो इसलिए उसके खिलाफ एक पार्टिकुलर डेफिनेटली सी बात है ना जिस वायरस को आपने कंट्रोल करने आपने उसी के अगेंस्ट ही बनानी है ना एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन वे, अगर आपको यही नहीं पता कि 200 में से कौन सी जो वायरस है वो काज कर रही है तो आपका ट्रीटमेंट भी पेशेंट को फायदा नहीं देगा इस वजह से वैक्सीन का जो बनाने का अमल है वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती जितनी जितनी अमाउंट में एंटीबायोटिक्स हैं उतनी अमाउंट में आपके पास uh, नहीं है कॉम्प्लेक्स देन uh, इनकी टाइप इनकी बहुत ज्यादा बैक्टेरिया की नस्बत इस वजह से इनके खिलाफ वैक्सीनेशन करना या वैक्सीन बनाना एक बहुत मुश्किल काम है नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरस इनकी अगर नेचर नेचर की बात की जाए तो पैरासाइट होते हैं पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो कि किसी भी होस्ट के ऊपर रह रहे होते हैं उसे फूड लेते हैं और उसके नतीजे में उसको नुकसान पहुंचाते हैं पैरासाइट्स भी दो तरह की होती हैं आपके पास इंट्रासेलर एंड एक्स्ट्रा सेलर इंट्रासेलर इन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलर आउटसाइड द सेल या आउटसाइड द बॉडी अब ये स्पेसिफिक होती हैं हर एक होस्ट के लिए ये नहीं कि अगर एक वायरस जो है वो एक हर वायरस के अटैचमेंट के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है लोकेशन होती है जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो बैक्टीरिया फेज तो जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है टोबैको मोजेक वायरस जो है ये सिर्फ टोबैको प्लांट्स को और रेबीज वगैरह को जो टोबैको प्लांट्स को इफेक्ट करेगा टीएमवी जबकि जो रेबिस वायरस है ये सिर्फ मेमल्स को इफेक्ट करेगा चंद एक ह्यूमन वायरसेज है जो कि स्पेशलाइज होते हैं हर एक टिश्यू के लिए जैसे कि एच वी है ये सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ही अटैक करता है ना कि रेड ब्लड सेल्स पे पोलियो वायरस का काम ये होता है कि ये स्पाइनल नर्व्स के अंदर रिप्रोड्यूस करता है अगर स्पाइनल नर्व्स को अवेलेबल नहीं होगी तो उसमें ये ग्रोथ नहीं करेगी

से ऊपर ऊपर आपके पास क्या है अपर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट अब जो हमारे पास वायरस लग... क्या चीज नहीं नहीं लंग्स लोअर है बेटा लंग्स के नीचे भी कुछ आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स के नीचे कुछ नहीं आता और में अब जो वायरसेस हैं इनके अंदर क्या होती है प्रोटीन की स्पाइक्स होती है अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो एचआईवी का

अटैच होने वाला काम जो है स्पाइक्स का काम होता है अगर स्पाइक्स ना हो या रिसेप्टर साइड ना हो तो कभी भी वायरस अटैच नहीं होगी हमने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया की भी बहुत सारी इकसम है बाद बैक्टीरिया में क्या होता है सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है ज्यादातर में हमारे पास सेलवाल होती है बस तो अब हमारे पास जो स्पेसिफिटी है ना अटैचमेंट की वो ये बताती है कि होस्ट की रेंज कितनी है वायरस के लिए जितनी ज़्यादा अटैचमेंट साइट्स अवेलेबल होंगी जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे उतने ज़्यादा वायरस अटैक करेगा चंद एक वायरसेस की रेंज क्या होती है बहुत कम होती है मतलब ज्यादा होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर पाते जबकि बाकियों की चंद एक ऐसे भी होते हैं जिनकी रेंज एक से लेकर हज़ारों की तादाद में होती है कि एक ही सिंगल वायरस हज़ारों लोगों को इन्फेक्ट कर रहा होता है जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कर लें कोविड की तो इसकी अब कितने ज्यादा वेरियंट्स आ गए हैं एक वायरस एक पर्सन के अंदर डिजीज काज करने के बाद दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है फिर तीसरे के अंदर इस तरह मल्टीपल्स के अंदर ट्रांसफर हो सकता है ये अब जो पोलियो वायरस है ये एंटर हो सकता है सेल्स ऑफ ओनली ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स ठीक है प्राइमेट्स के उनको कहते हैं जो कि हमारे पास बच्चों की केयर करते हैं पेरेंटल केयर जिनमें होती है जबकि जो रेबीज है ये सिर्फ के अंदर एंटर होता है Codates के अंदर भी नहीं होता ना आपके पास ये रिप्टाइल्स के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ सेल्स के अंदर अच्छा अब हमारे पास जो वायरसेज चाहिए, चाहिए है, तो है अपनी मशीनरी नहीं, होती। ये अपने नहीं बना सकते अपने नहीं बना सकते ना डीएनए की ना प्रोटीन की

हाँ ये अगर हो सेल नहीं होगा तो आउटसाइड ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगी अब जो वायरस है ये इन्फेक्ट करती है तमाम तरह के सेल्स को चाहे बैक्टीरियल सेल से हों चाहे हमारे पास बैक्टीरिया से आगे किसके आ जाते हैं माइक्रोब्स के यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स के उसके बाद मल्टी सेलर में हमारे पास ह्यूमन सेल्स तक आ जाते हैं ये अब एक जो आइसोलेटेड वायरस है ना वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ठीक है और ना ना ही वो आ, आपका इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है सिंगल वायरस अलग तलग होस्ट सेल के अंदर वायरस चूंकि वायरस के अंदर क्या होते हैं मेटाबॉलिक इंजाइम क्या होते हैं एबसेंट होते हैं भी एबसेंट होते हैं तो इन्हें अब क्या चाहिए इन्हें साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट चाहिए ठीक है यहां तक क्लियर है नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ वायरसेस इनसाइड अ होस्ट सेल हॉट नॉट इट इज होस्ट हाँ अब जो होस्ट है आपके पास में क्या है होस्ट है इसकी बॉडी के अंदर स्ट्रांग डिफेंस होता है अगेंस्ट वायरसेस लेकिन जो वायरसेस हैं ये रिस्पोंड करती हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम के तरफ करती है क्या है कि उसके एक्शन को रोक कर रोक देती हैं जिसके जरिए वो अपनी इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा होता है You are very well aware of that, हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास क्या होता है टीफोसाइट होता है T T Haan, ये आपको पता है आपके पास वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स एंड ऑफ या एज द ऑर्गन ऑफ आपके पास इम्यूनिटी हाँ इनके अंदर आपके पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी वो भी आगे डिस्कस करेंगे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सिक्रीट करता है थाइमस ग्लैंड जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो सिक्रीट करता है बर्सा ग्लैंड अब ये करते ये हैं कि इनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते हैं वैक्सीन की एंटीबॉडीज की अब अब होता यह है कि अगर इम्यूनिटी की आपके पास जेनेटिक कोड ही चेंज हो जाए उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए तो जो हम हमारे पास इनकमिंग वायरस तो ऑलरेडी बॉडी में एंटर हो चुका है हम अगर उसके खिलाफ वैक्सीन वैक्सीन करेंगे वैक्सीनेशन करेंगे अगर एंटीबायोटिक्स देंगे तब भी हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा रिजल्ट यही निकलेगा कि बैक्टीरिया बे, जो है आपके पास जो वायरसेस हैं वो क्या हो जाएंगे वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और आपके पास जो वैक्सीनेशन है और जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे वो उनके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं कि जैसे वायरस सर्वाइव कर जाता है किसी भी और सेल के अंदर हालांकि चाहिए तो ये ना कि जैसे हमारे बॉडी में एंटर हो वायरस तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर दे लेकिन ये क्या होता है कि जब ये इम्यून सिस्टम में एंटर होते हैं हमारे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज जिन्होंने इनको किल करना होता है ये उनके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देती हैं उनमें आल्ट्रेशन चेंजेस ला देती हैं जिसकी वजह से वो इनको रिकोगनाइज नहीं कर पाते क्योंकि एंटीबॉडीज तभी काम करती हैं जब वो फॉरन पार्टिकल या जो पैथोजन जो डिजीज काजिंग एजेंट आ रहा है अगर उसकी उसकी शिनाख्त कर लें अगर उसको पहचान ही नहीं पाएंगी तो वो कैसे उसको स्टॉप करेंगी कैसे उसके साथ फाइट करेंगी, कैसे करेंगे करेंगी उनके साथ? वो तो हर एक चीज के लिए अलग अलग फंक्शनिंग है लेकिन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीबॉडीज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेल मेब्रेन एंटीबॉडीज या वैक्सीनेशन जो आ रही है ना यहाँ पे असल में जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके आने वाले चाहे बैक्टीरिया है चाहे वायरस है, है, उसके उसके, उसके है।, कभी, कभी है वो अपने फौजी पे गोली नहीं चलाता उसके अंदर क्या होती है सेंस ऑफ रिकोगशन होती है इसी तरह एंटीबॉडीज के अंदर भी क्या होता है सेंस ऑफ रिकोगशन होती है ये आने वाले पैथोजन को पहले रिकोगनाइज करते हैं उसके बाद उसके ऊपर अटैक करते हैं ये ये नहीं कि ये ओगिन कॉकरोचे की तरह हल्ला बोल देते हैं हर चीज आने वाली चीज़ के ऊपर ऐसा नहीं है क्लियर है यहां तक अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस कैन पास अनफेवरेबल कंडीशंस आउटसाइड द अब जो वायरसेस हैं बेसिकली वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैम के ये हमारे पास क्या है दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग तो अब ये बॉर्डर लाइन पे होने की वजह से इनकी हमारे पास वेरियस टाइप्स आती हैं ओब्लिकेट भी हैं और फेकल्टेटिव भी हैं ओब्लिकेट के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फेकल्टेटिव के अंदर भी तो ये आउटसाइड द होस्ट क्या होती है नॉन लिविंग नॉन लिविंग होने के अलावा भी जो आपके पास इन्वायरमेंट में जितना कभी टेम्परेचर फ्रीजिंग में चला जाता है कभी जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग में चला जाता है हाँ तो गर्मियों में टेम्परेचर हाई हो जाता है सर्दियों में टेम्परेचर लो हो जाता है तो चाहिए तो ये कि ये टेम्परेचर हाई या लो होने पे क्या होने चाहिए खराब हो जानी चाहिए टूट फूट जानी चाहिए डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए डी हो जानी चाहिए लेकिन ये क्या करती हैं जब ये नॉन लिविंग स्टेट में चली जाती हैं तो ये हार्श से हार्श को भी क्या कर देती हैं टॉलरेट कर जाती हैं हाँ यहाँ तो क्लियर है अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ये इनके अंदर फूड नहीं होता ताकि ये सर्वाइव कर पाए आउटसाइड द होस्ट लेकिन ये डोरमेंट रहती हैं या इनएक्टिव रहती हैं होस्ट की बॉडी से आउटसाइड अब चूंकि इनका साइज क्या होता है बहुत छोटा साइज़ होता है, ये थ्रेडेड नहीं होती किसी भी और माइक्रोर्गेजम से क्योंकि वायरस से छोटा और कोई साइज होता ही नहीं है तो सबसे छोटा साइज ही इनका है तो इनको किसी चीज से और छोटी चीज से खतरा नहीं होता इनको एक इनको एक दो तो चीजों से मसला पड़ता है वो है पीएच और टेम्परेचर अब चूंकि ये होश से बॉडी लेके बाहर जब जाती है एनवायरनमेंट में तो इनएक्टिव हो जाती है मतलब इनकी बॉडी में क्या स्टोर होती है प्रोटीन ठीक है वो प्रोटीन ये इनएक्टिव सीजन में क्या करती है यूटिलाइज करती हैं तो इनको इस चीज का डर होता है कि अगर पीएच कम या ज्यादा होगी तब भी प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी क्योंकि प्रोटीन और जो आपके पास इंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे और टेम्परेचर पे काम करते हैं दोनों में से एक चीज भी ऊपर नीचे हो गई तो इसका मतलब है प्रोटीन क्या हो जाएगी डी नेचर हो जाएगी अब हमारे पास जो कंसेप्ट है ना वायरल का वायरस का आउटसाइड दी होस्ट वो चंद एक टाइम थोड़े से वक्फे के लिए किस पे डिपेंड करता है कि वायरस के आसपास पीएच क्या है और टेम्परेचर क्या है उसके मीडियम का मीडियम पे भी डिपेंड करता है ना कि बाहर किस पे रह रही है किसी वैसल के अंदर है या एयर के अंदर है या आपके पास सोइल में पड़ी हुई है किस मीडियम के अंदर है वो उस मीडियम का पीएच क्या है उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है अब इसका मतलब है इसमें जो उसका डिजीज काजिंग उसकी एबिलिटी है ना वेरलेंस है डिजीज है क्या उसकी वायरस की डिजीज काजिंग एबिलिटी है यहाँ पे वो डिपेंड कर रही है कि वो पीएच उसका एसिडिक है या बेसिक है मीडियम का टेम्परेचर लो है या हाई है इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो डिजीज काज करेगी या नहीं करेगी इनएक्टिव रहेगी या एक्टिव रहेगी वायरस इज आउटसाइड होस्ट क्या होंगी नॉन लिविंग तो हम कह सकते हैं कि जब ये होस्ट के आउटसाइड होंगी तो ये डोरमेंट पीरियड के अंदर होंगी इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी आउटसाइड द लिविंग होस्ट हम जो जिनोम होता है ना वायरस का वो लंबे टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है जब तक वो किसी होस्ट के अंदर एंटर नहीं होती दोबारा कहने का मकसद ये है कि पीएच और मीडियम के चेंज होने से भी अगर कुछ नुकसान होता है वायरस का तो वो सिर्फ प्रोटीन का होता है कि प्रोटीन जीनेचर हो जाती है लेकिन उसका जो जीनोम है जो उसका सेंट्रल हेरिडिटी मटेरियल है दैट इंटैक्ट वो सालिम रहता है अब जो हमारे पास नॉन एनवेप्ड वायरसेज हैं वो सर्वाइव कर जाती है लंबे अरसे तक होस्ट के बाहर हम जो एनवेल्ड वायरसेज है वो ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव कर पाती ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाती इसकी रीजन ये है कि जो बहुत सारी डवेलप्ड वायरसेज हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोटीन्स के ऊपर जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं अब जो ये प्रोटीन्स है ये भी हेल्प करती हैं अटैचमेंट में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि स्पाइक हेल्प करती हैं ना रिकोगशन में और अटैचमेंट में इसी तरह चांद एक जो प्रोटीन्स है ये भी जो सरफेस प्रोटीन होती है ये भी इसको आइडेंटिफिकेशन में और अटैचमेंट में हेल्प है करती हैं अगर एनवेलप नहीं होगा तो मतलब सर्फेस प्रोटीन्स नहीं होंगी सर्फेस प्रोटीन्स नहीं होंगी तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब एनवेलप नहीं होगा तो ज्यादा किल सर्वाइव कर पाएगी अगर एनवेप होगा तो बहुत थोड़े और अकेली है असल में जो एनवेलप होता है ना ये टूट फूट का शिकार हो जाता है सनलाइट से और अगर आम आ, आम कोई क्लीनिंग प्रोसीजर हम कैसे करते हैं वी डू द प्रोसेस ऑफ स्टेडलाइजेशन हम क्या करते हैं स्टेडलाइज करते हैं मटेरियल्स को अपरेटस को बिफोर यूजिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक पर्सन पे अगर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस प्रेजेंट है तो हम दूसरे पर्सन को जब यू, यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर ऑपरेटर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर ट्रांसफर ना हो जाए हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टेटलाइजेशन